हालेलुया, प्रभु के नाम का धन्यवाद हो। और जितने भी आप सब को भी जय मसीह की। तो फिर एक बार प्रभु की इच्छा हुई है कि हम लोग लाइव में भी, और फिर हम लोग जितने लोग भी हैं, हम लोग आज संडे चर्च में वचन सुने, वचन देखे, और उसके द्वारा 30 नहीं 60 गुना हम लोग क्या हो, 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना हम लोग आशीषित हो। हालेलुया। तो लाइव तो है, और ये हम लोग ना समझे कि हम लोग लाइव में और कोई सुना रहे, और इसमें हम लोग को भी सुनना है, हम लोग को भी यहाँ सीखना है। हालेलुया। इसलिए हम लोग जितने लोग हैं, हम लोग भी ध्यान देंगे, हम लोग भी गणन स्टडी करेंगे, ताकि बाइबल में लिखा है चूक, अगर चूक हो जाती है ना, मिस्टेक हो जाता है ना, बड़ा तकलीफ, बड़ा परेशानी खड़ा हो जाता है। तो चूक नहीं होना चाहिए, हर चीज में चूक नहीं होना चाहिए। पतरस चलते चलते चूक गए विश्वास में और सच में डूबने लग गए। अगर वो नहीं चूकते तो नहीं डूबते और बड़ा विश्वास को प्राप्त कर सकते थे। हालेलुया। इसलिए चूक नहीं होना चाहिए। वचन में लिखा है कि जो लोग उतावली से दौड़ते हैं वो चूक जाते हैं, चूक जाते हैं, यानी चूक जाते हैं माने टारगेट से चूक जाते हैं, लक्ष्य से चूक जाते हैं। और हमारी भी एक लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? अनंत जीवन। हालेलुया। क्या लक्ष्य है? बाइबल में चलना। हालेलुया। क्या लक्ष्य है? मुकुट को पाना। हालेलुया। उसको पाने से पहले इस दुनिया में भी दान बरदान से भर जाना। हालेलुया। आत्मा का फल से भर जाना। हालेलुया। तो धन्यवाद हो। हम लोग आज के वचन के टॉपिक है हम लोग का, ये गलती कभी मत करना। अक्सर बहुत लोग कर जाते हैं और परमेश्वर का ब्लेसिंग से बच रहे हैं। यानी एक गलती जो है कभी मत करना। अक्सर बहुत लोग कर रहे हैं और चूक रहे हैं, इसीलिए आज मसीह जीवन में विश्वास कर विश्वासी जीवन में आशीष नहीं है। तो आज हम लोग देखेंगे वो कौन सा गलती है जो अक्सर लोग चूक रहे हैं, विश्वास मसीह लोग भी, हम विश्वासी लोग चूक रहे हैं और ग्रोथ यानी आशीषित ना होने पा रहे हैं। तो बिना देर किए आइए हम लोग वचन को देखें। हालेलुया। तो पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5:12 को देखेंगे। हालेलुया। तो आप लोग निकाल करके देख सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं, मगर पढ़े तो हम ही, क्योंकि ये माइक लगा हुआ है और माइक में जब हम पढ़ेंगे तभी वहाँ जाएगा, बाहर से वो खींचेगा नहीं। हम लोग का दूसरा माइक नहीं है, इसलिए हम माइक से पढ़ दे रहे हैं। आप लोग ध्यान देख सकते हैं। 5:12 में पढ़ रहा हूँ। कलिसिया को क्या? उपदेश। हालेलुया। यानी मंडली को उपदेश, यानी हम सबको उपदेश। क्या उपदेश है? हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारा अगुआ है और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो। क्या करो? सम्मान करो। यहां पर पौलुस बोल रहा, उनका तुम सम्मान करो और उनके कामों के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आदर के योग्य समझो, आपस में मिल मिलाप से रहो। क्यों? यहां पर क्या पौलुस अपने आदर खोजने के लिए बोल रहा है? काहे कि वो तो प्रभु का दास है, तो अपने आदर पाने के लिए बोल रहा है कि जितने भी दास है, जितने भी प्रभु के पासवान है, पास्टर है, वो लोगों का आदर दिलवाने के लिए बोल रहा है। नहीं मेरी हो, नहीं मेरे प्रियो। यहां पर वो इसलिए बोल रहा है कि जितने लोग सुन रहे, चाहे विश्वासी हो, चाहे मसीह हो, चाहे अविश्वासी हो, उन सबों को बोल रहा है ताकि वो लोग आशीषित हो। हालेलुया। हालेलुया। जब हम लोग वचन सुनते हैं मेरे प्रियो, प्रभु के सामने बैठते हैं, वचन सुनने से भी आशीष नहीं होता है। आशीष कब होता है? जब हम सुनकर उस पर चलते हैं। हालेलुया। अगर हम लोग याकूब अध्याय 1:25 को देखेंगे, पर जो व्यक्ति सुनकर भूलते नहीं उस पर चलते, वो क्या होते हैं? अपने काम में वो इसलिए आशीष पाएंगे कि वो भूलता नहीं, वैसे ही करते हैं। हालेलुया। तो इसलिए वो बोल रहा है कि दुना आदर के पात्र समझो, आदर के योग्य समझो। क्यों? जब तक हम सामने वाला बोलने वाले व्यक्ति को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, आदर के योग्य नहीं समझेंगे, प्रेम या आदर के साथ उनके साथ हम नहीं चलेंगे, हम उनके बात को आदर और कदर, उनके वचन को हम रिसीव नहीं कर सकते।
और इसलिए बोल रहा है कि आदर की योग्य समझो, ताकि उसके द्वारा से जो परमेश्वर ने तुम्हें वचन दे रही, हालेलुया, उनको जो एक चरवा बनाया, तुमको चराने का जिम्मेवार दिया है, हरी हरी चराइयों में चराने का, सुखदायक जल के झरनों के पास ले जाने का। भजन संहिता अगर हम लोग 23 अध्याय को देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, वो सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है, हरी हरी चराइयों में चराता है, यहोवा मेरा चरवा है। तो यहोवा तो हमारा चरवा है, यहोवा के साथ साथ उन्होंने कहीं चरवा को यहां पर लेके रखा हुआ, हालेलुया, कि तुम मेरे भेड़ों को चरा। पतरस को बोला, हे पतरस क्या तुम मुझसे प्रेम रखते हो? हाँ प्रभु। क्या पतरस तुम रखते हो? हाँ प्रभु। तीन बार बोला, जा तुम मेरे भेड़ों को चरा, हालेलुया। परमेश्वर हमारा चरवा है, चरवा के साथ उन्होंने इस दुनिया में अपने लोगों को रखा हुआ है कि तुम मेरे भेड़ों को चरा, हालेलुया, यानी मंडली को चरा, हालेलुया, यानी विश्वासियों को चरा, यानी उनको तू वचन सुना, हालेलुया, और वो सुनेंगे और मानेंगे, 30 नहीं 60 100 गुना आशीष लेंगे, हालेलुया, वे फलवंत होंगे। तो मेरे प्रियो, जब हम उनको आदर के योग्य समझेंगे, तब भी हम उसके कहे हुए वचन को रिसीव कर सकते हैं, उससे हम मेल मिलाप करेंगे, तभी उसके वचन को हम ग्रहण कर सकते हैं, जो परमेश्वर की ओर से दिए गए उसके मुख से निकल रहे उस वचन को हम ग्रहण कर सकते हैं। अगर जरा भी उसे हम कुटिलता रखेंगे ना, जरा भी अगर उससे हम नाराज रखेंगे, नफरत रखेंगे, तो बोले हुए वचन को हम अपने हृदय में नहीं ग्रहण कर सकते हैं और हम आशीषित नहीं हो सकते, हालेलुया, नहीं हो सकते हैं, हैं? और इसलिए पौलुस बोला, तुम उसको बहुत आदर के योग्य समझो, ताकि वो बोले हुए वचन को तुम ग्रहण कर सकोगे और तुम आशीषित हो, चल सको और तुम 30 60 100 गुना आशीष को फल पाओ। इसलिए बोला उसको आदर के योग्य समझो, यह नहीं कि उनको आदर करो, सम्मान तो करना चाहिए, काय कि प्रभु के दास के साथ साथ एक विश्वासी के लिए और अविश्वासी के लिए, मसीह के लिए बहुत सारे वचन और आशीष जुड़े हुए हैं, कि उनको तुम मानोगे, उन आधार से चलोगे तो तुम आशीषित होगे, हालेलुया, हालेलुया। हम और एक वचन को पढ़ते हैं, तो तुम आशीषित होंगे। मगर बहुत बार यहां पर क्या होता है, आप खुद भी ट्रायल किया, खुद भी सोचो, अगर आपके दास का प्रति नाराज होते हैं ना, जो भी वचन बोलेगा तो आप सर हिला करके, मुंह ऐंठ करके वहां से चले जाओगे, या बैठे भी रहोगे, वचन को आप रिसीव नहीं करोगे। जितना वचन बोलोगे, जितना वो बोलेगा, उतना आपके अंदर में नाराजगी और क्रोध भरते रहेगा, हट ऐसा नहीं, हट वैसा नहीं, ऐसा लगे कि हम ही कोई बोल रहा है, हम ही कोई कोस रहा है, हम ही कोई मतलब कुछ भी अर्थ निकाल रहा है, और आप वचन को रिसीव नहीं करोगे, बल्कि आप यूं ही बैठे रहोगे और आप आशीषित नहीं होंगे। और यही जगह क्या होता है, चुक हो जाती है, चुक। हर चीज का सिस्टम और नियम है, बेगर सिस्टम और नियम से कुछ नहीं होता है, और यहां पर भी परमेश्वर ने एक सिस्टम और नियम दिया है, आगे बढ़ना, फलना फूलना और प्रभु की महिमा करना, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग पढ़ते हैं, आइए हम लोग इब्रानी को देखते हैं, इब्रानी थोड़ा सा यहाँ पर और थोड़ा साफ हम क्लियर कर दे, क्लियर करना चाहता है प्रभु, हालेलुया। इब्रानी अध्याय तेरह का साथ क्या लिखा है, जो तुम्हारे आगुए थे या है, हालेलुया, जो तुम्हारे आगुए थे या है, और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रख, याद रख, और ध्यान से उसके चाल चलन का क्या कर, चाल चलन का अंत को देख कर उनके विश्वास के अनुसरण करो, हालेलुया। 8, यीशु मसीह कल और आज और युगानु युग एक सा है, एक सा है। 9, नाना प्रकार के विचित्र उपदेश से भरमाए ना जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है। नाना प्रकार के विचित्र उपदेश से भरमाए ना जाओ, कौन सी नाना प्रकार की, मन में कितनी प्रकार की सोच, कितनी प्रकार के विचार आता है, शैतान डालता है, और आज के डेट में यूट्यूब फेसबुक में तो बचन ही बचन का भरमार है, और शैतान अक्सर यहां से बहुत काम कर रहा है, और बहुत लोगों क्या कर रहा है, भरमा रहा है, बहुत लोगों क्या कर रहा है, भरमा रहा है। मान लो अपने पास्टर, अपने पसमान उनको वचन अभी सुनाया, अभी यूट्यूब में देखा, उसी के विरुद्ध देखा, ये पास्टर ऐसे, वो पास्टर ऐसे, इधर ऐसा उधर वैसा करके उनके वचन से भी आउट कर रहा है, और बहुत लोग
दौड़ने में मतलब उतावली कर रहा, भाई हम ऐसा दौड़ेंगे, हम ऐसे दौड़ेंगे, हम ऐसे दौड़ेंगे, हम वैसे दौड़ेंगे, हम यहां पहुंच जाएंगे, हम वहां पहुंच जाएंगे, पास्टर बन जाएंगे बस। और ये लोग चूक कर रहे हैं। और नीति वचन अध्याय 19 का 2 में क्या लिखा है, नीति वचन अध्याय 19 2 में क्या लिखा है, थोड़ा सा इसको हम लोग पढ़ते आइए। नीति वचन अध्याय 19 का 2 में, मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं। मनुष्य का ज्ञान रहित रहन मतलब अच्छा नहीं, ठीक से रहो धोधा के। मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, क्यों? अगर ज्ञान नहीं रहेगा तो वचन बोलती है मेरे प्रजा को ज्ञान नहीं होने के कारण ये नष्ट हो रहे हैं। मेरे प्रियो, हम लोग का बचाव प्रभु से है और उसको वचन को मानने से ही है। वचन को अगर आप जानते हैं, मानते हैं, तो उस पर आपको बल मिलेगा, ताकत मिलेगा, सामर्थ्य मिलेगा, शक्ति मिलेगा, ढाढ़स मिलेगा, हिम्मत मिलेगा। वचन आपको दृढ़ करेगा, मजबूत करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, वो चंगाई करेगा, सब कुछ करेगा सारी स्थितियों में। अगर आपको वचन ही नहीं मालूम, याद ही नहीं, जानते ही नहीं, उसके अनुसरण ही नहीं कर रहा है, तो आपको बल मिलना, ताकत मिलना, हिम्मत मिलना, ढाढ़स मिलना, संभालना मुश्किल है, मुश्किल है। और नीचे क्या लिखा है, और जो लोग उतावली से दौड़ता है या चूक जाता है, उतावली से यानी जो सिखाए गए उसको भी छोड़कर, बताया गया उससे भी हटकर, अरे मेरा पास्टर तो हमको ऐसा बोल रहा है, अपना लाभ का कारण बना रहे, अपने मतलब निकाल रहा, ये तो बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है, अरे ये ठीक है। और शैतान हमेशा आसान कर देता है, बाइबल में जो है ना आपको कठिन लग रहा, शैतान वो हमेशा आसान कर देता है। आदम और हव्वा ने हमेशा हर कोई फल खाता था, बहुत अच्छा लगता था, भले और बुरे जीवन का फल वहां पर लगा था, परमेश्वर बोल करके रखा था इसको मत खाना कभी, और वो लोग भी सोचता था हम सब फल खाया, सबका तो हम टेस्ट हम लोग चख लिया, भाई ऐसा वैसा है, पर ये फल तो शायद और ही टेस्ट है, मगर परमेश्वर तो खाना ही मना किया। कैसे खाए? शैतान बोला कि भाई इस फल को तुम लोग खा सकते हो, परमेश्वर तुम लोग को बुढ़बक बनाया है, तुम लोग जिस दिन खाओगे ना बुद्धिमान हो जाओगे। और ये लोगों का बहुत इच्छा था कि हम लोग बुद्धिमान बनेंगे, उतावली करके ये फल ये लोग खाना शुरू कर दिया, उतावली से दौड़ना शुरू कर दिया। बोला हम लोग को बुद्धिमान बनना, भाई मूर्ख नहीं रहे, बुद्धिमान बनने के चक्कर में बड़ा मूर्ख बन गया, फल खा गया, और ये लोग क्या हो गए, चूक गए। और जहां चूका तब परमेश्वर से लोगों का रिश्ता कटा, फिर तो दाइनीय हालत हो गया, दुनिया में लोगों को भेज दिया गया। अगर लोग उतावली नहीं करते, परमेश्वर की इच्छाओं से अगर लोग चलते, तो आज भी शायद वहीं रहता और ये दुख और पीड़ा और कष्ट नहीं होता, मृत्यु तो होते ही नहीं, क्या कि इससे पहले मृत्यु था ही नहीं, जब खाया तबे मृत्यु आया, जिस दिन तुम लोग खाओगे उस दिन अवश्य मरोगे, चुक गए। और आज बहुत लोग मेरे प्रियो जो अधीनस्थ नहीं रहने के कारण, अधीनस्थता को नहीं रखने के कारण वे लोग चूक रहे। जो तुम्हारा मैं उसके नहीं बोल रहा, उनको नहीं बोल रहा है, उन लोगों के लिए नहीं बोल रहा है, उन दास के लिए नहीं बोल रहा है जो गलत शिक्षा दे रहा हो, गलत टीचिंग सिखा रहा हो, यहां उसके अधीन सोने हम नहीं बोल रहे हैं, मगर जो तुम्हें अगर सही शिक्षा दे रहा है, बाइबल से शिक्षा दे रहा है, चाहे कठिन ना क्यों दे रहा है, चाहे थोड़ा हार्डली क्यों ना दे रहा है, मगर उनके अधीन से रहना। हालेलुया, हालेलुया। पत्रस ने क्या कहा, बोला केवल हे भाइयों, हे सेवकों, तुम अपने सेवक अपने स्वामी के अधीन से रहो, उनके ही नहीं जो नम्र और दीन है, बल्कि उनके भी जो कुटिल है। हालेलुया। तो कुछ कुछ सेवक क्या होता है, पासवान क्या होता है, थोड़ा कुटिल, बहुत हार्डली वचन देता है, बहुत टाइट वचन बोलता है, तो उसमें बहुत बार विश्वासी क्या हो जाते हैं, बहुत बार हम मसीह लोग क्या हो जाते हैं, हैं क्या हो जाते हैं, निराश उदास हो जाते, ठोकर खा जाते हैं, अरे भाई ऐसे बोल रहे, अरे भाई ऐसे बोल रहे, उसके प्रति नाराज, उनके प्रति मतलब ढेर, और उनके वचन को सुनना नहीं है। गया चार में चर्च में, गया यूं बैठ के आ गया, गया चर्च में यूं बैठ के आ गया, और बाकी बात पीछे उनका बुराई चालू हो गया, बुराई चालू हो गया। चूक जाने के कारण शैतान यहां पर मौका पाता है और पूरे बुराई लेके बैठ जाता है। पहले शुरुआत में यही आदम और हव्वा को शैतान ने बुराई सिखाया था, अपने स्वामी अर्थात एक स्वामी परमेश्वर, हालेलुया, और उनके अधीन शैतान को भी रहना था, यानी लूसीफर को भी, उस समय शैतान नहीं था, लूसीफर को भी रहना था, मगर उनके अधीन से वो नहीं रहा, उनके अधीन से नहीं रह करके उनसे बड़े बड़े काम करने का, उनसे हटकर बड़े बड़े काम करके और ऊंचे पर उसको बैठने का इच्छा हो गया, क्या हो गया, इच्छा हो गया,
एहेजकेल अगर हम लोग 28 का 13 को पढ़ते हैं तो इसका वर्णन को हम लोग साफ पाते हैं, हैं साफ पाते हैं। प्रकाशित वाक्य फिर अगर हम लोग यशायाह में देखते हैं, यशायाह का पुस्तक, तो यहां पर भी इसके वर्णन को हम लोग पाते हैं कि मैं परमेश्वर की हैं से भी ऊंचे में अपने सिंहासन बनाऊंगा। बनाना तो था, मगर परमेश्वर से सलाह मशुरा करके, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रख के, परमेश्वर का साथ बन करके था, मगर उन्हें हट कर करना चाहा। और बहुत बार आज विश्वासी लोग क्या करते हैं, बड़ा बनने के लिए, पास्टर बनने के लिए, कुछ लीडर बनने के लिए हट करके करना चाहता, अपने अगुआ को तुच्छ जान करके, अगुआ अगुआ का बुराई करके। लिखा है जो कोई मेरे अगुआ को छूता है, मेरे दास को छूता है, मेरी आंख को पुतली छूता है, सबसे पहले यह सब करके वो लोग परमेश्वर का बेरी बन जाता है।